हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस वीडियो लेसन में हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI PO Prelims 2018 मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर। जैसे कि आप जानते हैं, 1 जुलाई को SBI PO का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें जो सवाल हमें रीजनिंग से मिले उसी को तैयार करके 35 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया हमने। उसमें अलग अलग पार्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी दो पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए, जहां पर एक पार्ट में 6, एक पार्ट में 7 सवाल मैंने डिस्कस किए। आज इस पार्ट में 5 सवाल हम डिस्कस करेंगे, 4 सवाल रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग के जो पेपर में पूछे गए, और एक सवाल रहेगा सिंगल ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अगर पहले दो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने उन पार्ट्स में भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों जो मेमोरी बेस्ड पेपर है आपके काम आ सकता है। एक तो जो 7 और 8 का एग्जाम जिनको बाकी है, जिनकी शिफ्ट 7 और 8 को है, उनके लिए तो ऑब्वियस रीजंस के साथ ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो लेवल पता चल जाएगा और क्या क्या अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो अभी जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ SBI PO का ये एग्जाम उन्हें नहीं देना है, आगे भी और सारे बैंक एग्जाम सभी बाकी हैं, उनकी प्रिपरेशन भी होना बहुत जरूरी है। और सभी हम जानते हैं कि SBI PO सभी बैंक एग्जाम्स में सबसे डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके पेपर का लेवल अचीव कर लेते हैं, तो बाकी पेपर आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। आपके सामने सवाल है, सवाल पढ़िए। डायरेक्शंस 1-4, 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन दी गई है। स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। किसी कोड लैंग्वेज में 3 सेंटेंसेस कोड किए गए हैं, आपको जो दिख रहा है, तीनों के तीनों सेंटेंसेस दिए हुए और उसके आगे उनके कोड्स दिए हुए। ठीक है, ये कोई कोड लैंग्वेज है। अब इस पे बेस्ड हमें चारों सवालों का जवाब देना है। तो पहला सवाल पढ़िए, व्हाट इज द कोड फॉर रेडियो इन द गिवन कोड लैंग्वेज। रेडियो का कोड बताना है गिवन कोड लैंग्वेज में। अब कोडिंग डिकोडिंग दो तरह के रहते हैं, एक तो ओल्ड पैटर्न रहता है और एक न्यू पैटर्न रहता है। ओल्ड पैटर्न में सीधा सीधा रिलेशन रहता है, मतलब आप बाय कंपैरिजन करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ कंपेयर करके किसी भी एक वर्ड को ले लीजिए, वो 2 सेंटेंसेस में आता है तो उन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन वर्ड है वही कॉमन कोड होगा, तो आराम से निकल जाता है। पर ये ओल्ड पैटर्न ही है, ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, जिसमें अल्फाबेट्स के साथ साथ आपके नंबर्स भी आते हैं और एक सर्टेन कोडिंग रहती है, एक सर्टेन पैटर्न रहता है इनके कोड होने का भी। तो सबसे पहले इन तरह के सवालों में हमें कोड, सबसे पहले हमें पैटर्न पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या पैटर्न है। तो चेक कर लेते हैं, एंटायर मनी बॉर्ड परफेक्ट, इसको Q7N5F6C5 में कोड किया गया है। ठीक है, अब न्यू पैटर्न वाले में जनरली जो रिलेशन रहता है, जो वर्ड का आप क्या रिलेशन रहेगा इनमें से किसी भी कोड से, तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स रहते हैं पूरे वर्ड के, वो रहता है फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो आप में इसमें गिवन है। जैसे कि हम एंटायर को लें, एंटायर में हमारे लिए इंटरेस्ट वाले अल्फाबेट्स रहेंगे फर्स्ट और लास्ट, और फॉर्चुनेटली आपके फर्स्ट और लास्ट दोनों के दोनों ई है, तो ई का या तो सीधा का सीधा कोई ई बन रहा होगा, या इसमें कुछ प्लस या फिर -1 या ज्यादा 2 का केसेस रहता है। तो चेक कर लेते हैं, ई में +1 करें तो क्या आता है, एफ। तो कहीं पर भी आपको एफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला जो पेयर है F6, इसमें एफ आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट पिक करता है। अब आगे F के आगे एक नंबर लिखा हुआ है 6, तो नंबर लिखा हुआ है तो जनरली नंबर रहता है आपके जितने यहां पर अल्फाबेट्स हो उसके। तो एंटायर के कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्लियरली हमें पता चल चुका है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोड किस तरह हो रहा है कि जो भी आपका वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसमें +1 कर दोगे तो पेयर का पहला पार्ट आ जाएगा, सेकेंड जो न्यूमेरिक पार्ट है वो कैसे आ रहा है, वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं वो काउंट करके लिख दीजिए। तो कितने थे, 6, तो हमने 6 लिख दिए। अब यही देखते हैं ये लॉजिक आगे अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या पता बाय चांस आपका ये लॉजिक लग गया हो और एक्चुअली ये लॉजिक ना हो। तो नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मनी, MONEY, मनी। अब मनी के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं, सबसे पहले ये देख ले, सब अल्फाबेट सॉरी कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो न्यूमेरिक पार्ट ऑलरेडी हमने निकाल दिए,
पहला अल्फाबेट क्या है इसके अंदर? एम। तो एम के अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्लस वन। एम प्लस वन क्या होता है? एन। तो हमारा ग्रुप क्या आ रहा है, पेयर क्या आ रहा है? एन फाइव। तो कोड हमारा आ गया है एन फाइव। तो एन फाइव कहीं है? बिल्कुल है, ये रहा। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक जरूर सही है। तो अब बाकियों का निकालने के बजाय अब रेडियो पे आ जाओ, हमें निकालना है रेडियो का। अब रेडियो का न्यूमेरिक पार्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स गिन लेंगे, एक दो तीन चार पांच। तो न्यूमेरिक पार्ट तो आपका पांच आ गया। अल्फाबेट पार्ट कैसे आएगा ये देख लेते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट पे फोकस करना है, आर। आर में प्लस वन कर दीजिए, आर में प्लस वन कर दीजिए। आर प्लस वन क्या होता है? एस। तो आपका जो कोड आया है वो आ गया है एस फाइव। तो देखिए एस फाइव कहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक छोटा सा रिकैप दूंगा। न्यू पैटर्न के जितने भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है, आपको सबसे पहले पहचानने कैसे हैं ये तो आपको पता ही है कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों पार्ट होते हैं और कई बार साइन भी साथ में इंक्लूडेड होता है। तो उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि न्यू पैटर्न क्या है, और बेसिकली सिर्फ कंपेरिजन से कॉमन निकाल के आपके आंसर नहीं आ सकता, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। तो पैटर्न के कुछ तरीके होते हैं। पहला रहता है कि जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या है, वो जनरली आपका सीधा सीधा या तो न्यूमेरिक पार्ट देता है या फिर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के अंदर आपको प्लस माइनस वन करके कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके वो न्यूमेरिक पार्ट निकालना पड़ता है। पर वो निकलता है जनरली नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो सकता है, नंबर ऑफ वोवेल्स हो सकता है, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स हो सकता है, कई टाइप रहते हैं। ये सबसे ईजी टाइप का न्यू पैटर्न का था, बहुत ही बेसिक टाइप का था, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बहुत आराम से निकल पा रहा था। और दूसरी चीज जो हमें अल्फाबेटिकल पार्ट जो कोड का निकालना है वो कैसे निकल सकता है, फर्स्ट अल्फाबेट पे फोकस करो और लास्ट अल्फाबेट पे फोकस करो। तो इनसे जनरली आपके एटलीस्ट बेसिक टू मॉडरेट लेवल वाले जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड राइजिंग नॉर्मल? तो राइजिंग का निकाल लो, फिर नॉर्मल का निकाल दो। तो अब हमें ऑलरेडी पैटर्न तो पकड़ में आ गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, आर आई एस आई एन जी राइजिंग। सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह। छह न्यूमेरिक पार्ट आ गया, अल्फाबेटिक पार्ट कैसे करेंगे? आर प्लस वन कर देंगे। आर प्लस वन अभी देखा था क्या था? एस। तो राइजिंग का आ गया है एस सिक्स। राइजिंग का आके क्या आ गया है? एस सिक्स आ गया है। ठीक है, अब जन एस सिक्स आ चुका है, अब अपने नॉर्मल का निकालेंगे। नॉर्मल में लिख लीजिए पहले नॉर्मल, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया है सिक्स। अब एन में क्या करना पड़ेगा? प्लस वन करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल पार्ट निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा? ओ। तो ओ सिक्स नेक्स्ट पार्ट, तो ओ सिक्स एस सिक्स आंसर आ रहा है। ये रहा आपका ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, इफ द कोड फॉर द वर्ड्स दे फॉरवर्ड इज कोडेड एज दे फॉरवर्ड और आगे है ब्लैंक, ये हमें भी पता नहीं है, इज कोडेड एज यू फोर जी सेवन और T5। तो एकदम सिंपल है, आपके क्या पूछा गया है, ये कोड किया गया है पूरा द कोडेड लैंग्वेज, देन व्हाट विल बी द मिसिंग वर्ड, मिसिंग वर्ड यहां पर क्या आया होगा ये फाइंड करना है। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसका नहीं लिखा हुआ उसको फिर रिवर्स अपने पैटर्न करके वर्ड भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टी एच ई वाई कितने वर्ड्स है, चार। तो चार वाला निकल गया पहले, तो इसको हटा दो। एक दो तीन चार पांच छह सात, सात वाला भी निकल गया, इसका मतलब इसके लिए किसका कोड है, T5 का। तो T5 का रिवर्स पैटर्न कर लेते हैं, T5 है। तो 5 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 5 का मतलब आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच। तो कितने हैं ऐसे ऑप्शन जिसमें पांच आ रहे हैं, ऑप्शन बी है और ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन डी भी है। तो इससे कुछ फायदा नहीं होता। टी का देख लेते हैं, टी क्या आता है, फर्स्ट अल्फाबेट का जो भी वर्ड है उसके फर्स्ट अल्फाबेट में अगर प्लस वन करें तो क्या बेसिकली क्या करने की जरूरत है, इसमें से माइनस वन कर दीजिए। टी माइनस वन क्या होता है, टी माइनस वन क्या होता है आपका, एस होता है। तो पहला अल्फाबेट आपका एस है, तो पहला अल्फाबेट एस किस किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें बस ये पता है कि पांच नंबर ऑफ अल्फाबेट्स रहेंगे और पहला अल्फाबेट आपका एस रहेगा। तो ये क्राइटेरिया दोनों ए और सी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, बोथ ए एंड सी। ठीक है, एकदम इजी था, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द कोड फॉर एलिगेंट, एलिगेंट के लिए क्या कोड रहेगा। तो सबसे पहले गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो सात तो न्यूमेरिक पार्ट आ गया, अब हमें अल्फाबेटिक पार्ट कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ई। ई में प्लस वन करते हैं तो क्या आता है,
एफ आ जाएगा, तो आपका कोड क्या आ गया है, F7, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, और एक्चुअली मेरा मानना है कि इजी लेवल का था। अगर आपको ओल्ड पैटर्न में भी देते तो उसमें भी इतना टाइम तो लगता ही, हो सकता है उसमें थोड़ा ज्यादा लगता है, इसमें तो उल्टा कम टाइम लगा, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पैटर्न पहचाना था। और जिन लोगों ने न्यू पैटर्न की प्रैक्टिस की है, जो लगभग सभी होंगे, क्योंकि SBI PO में एक्सपेक्टेड है कि न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, और मेंस में तो 100% आएगी, पर इतनी ईजी नहीं आएगी, थोड़ी हाई लेवल की रहेगी। ठीक है, तो इसको आपने आराम से पैटर्न पहचान लिया होगा, स्टैंडर्ड जो बेसिक जो पैटर्न था, जो बेसिक रूल था, उसी से ही आप पहचान सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स फर्स्ट या फिर लास्ट अल्फाबेट के साथ कोई मैनिपुलेशन, बिल्कुल वही था। ठीक है, आराम से चारों सवाल होने वाले सवाल थे, टाइम के अंदर होने वाले सवाल थे, स्कोरिंग सवाल थे। ठीक है, अब फाइनली पांचवा सवाल देखेंगे, सिंगल ब्लड रिलेशन का, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी इज मैरिड टू डब्ल्यू, तो कैसे करेंगे ब्लड रिलेशन का सवाल, फैमिली ट्री बना के जल्दी जल्दी। वी इज मैरिड टू डब्ल्यू, वी की शादी किससे हुई है, डब्ल्यू से। ठीक है, R is the only sister of W. R कौन है, only sister W की sister है, तो क्या जाएगा माइनस। A is the mother of R. A कौन है, मदर है R की, ठीक है माइनस आ गया। A has three children. A के तीन बच्चे हैं, तो एक तो W तो है ही, एक R भी है, इसका मतलब एक जना और होगा। G is the niece of R and P. G नीस है R की और P की, तो P कौन रहा होगा, जरूर जो तीसरा जो बच्चा था A का वो। ठीक है, अब एक चीज और बोल रखी थी कि R इज दी ओनली सिस्टर ऑफ W, R एकमात्र बहन है W की, तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, W का भाई हो जाएगा, तो प्लस साइन आ गया। क्लियरली समझ आ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। G इज द नीस ऑफ R एंड P, G क्या है, नीस है R और P की, तो R और P की नीस है, तो इनकी जो सिबलिंग्स होगी उनका ही बच्ची बच्चा सॉरी बच्ची होगी, क्योंकि नीस बता रखे हैं, तो इन्हीं की R और P के सिबलिंग कौन है, W, तो W की बच्ची कौन हो जाएगी, G, तो यहाँ पे माइनस डाल दीजिए। V has no sibling, ठीक है V के कोई सिबलिंग नहीं है। R is unmarried, R unmarried है, ओके। देन हाउ इज P रिलेटेड टू V, P का रिलेशन पूछा है V के साथ, तो क्लियर है W का भाई है P, और V कि शादी W से हुई है, तो P क्या लग जाएगा, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ हो जाएगा, और वो भी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा क्योंकि भाई है W का, तो ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही देखा आपने कितना, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया, कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला गया फैमिली ट्री बनाते गए, और उसके बाद जो पूछा गया उसका जवाब दे दिया। फैमिली ट्री अच्छे से अगर आपको बनाना आता है ब्लड रिलेशन में, जल्दी आता है, सिर्फ अच्छे से नहीं जल्दी भी आता है, तो आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल टाइम के अंदर और एकदम करेक्टली कर सकते हैं, कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये पांच सवाल आज मैं आपके लिए लेकर आया था, SBI PO Prelims 2018 मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर, 1 जुलाई का जो पेपर था उसको लेकर आ रहे हैं हम आपके पास। क्वांट के भी कुछ पार्ट्स डल चुके हैं, रीजनिंग के ऑलरेडी 2 पार्ट मैं डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पूरा पेपर क्लियर करवा दें, फिर एक वीडियो आपका ऐसा बनाएंगे हम जिसमें आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि 7 और 8 तारीख को जिनके पेपर हैं कि वो उनको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, और किन किन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और ये चीज हमें कैसे पता चली 1 तारीख वाले पेपर से, तो वो चीज हम 7 और 8 पे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, उससे कुछ सीख लेना चाहेंगे, जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजी पेपर में जाते टाइम और बेटर है। ठीक है, इस सेशन से कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी नए पैटर्न पे किसी भी चीज पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में फिर से। Now that's all for today's session. Have a nice day.